तो हेलो लड़कों लड़कियों, कैसे आप सब। आज हम फिर से खुराबाद मचाने वाले हैं GTA 5 के अंदर। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने जस्ट एक इनिशिएट किया था कि भाई हमने स्टार्ट किया था GTA के अंदर है क्या एग्जैक्टली, उसके अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो हमने स्टोरी देखी, हमने बचाया, हमने गोलियां चलाई, हमने पुलिस से भिड़े, जो किया हमने, बच गए हम। जैसे तैसे हम बच बुच के निकल के अगले मिशन की तरफ आ चुके थे। तो अगले मिशन में मैंने बताया था आपको, नेक्स्ट वीडियो के लेकर के आऊँगा, उसमें आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज वीडियो जाती है लेंथी और हो जाती है बोरिंग। तो गाइज अगली वीडियो में आज लेकर के आ चुका हूँ आपके लिए। तो गाइज आज की वीडियो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने लैमर को फॉलो किया। लैमर एक बंदा है जो जिसको मुझे फॉलो करना होता है। वहाँ पे दो गाड़ियाँ होती है, जो है वो चोरी करता है, आई थिंक एक गाड़ी मैं चोरी करता हूँ, और फिर हमें उसे लेकर के जाना होता है। लैमर को रास्ता पता होता है हमें कहाँ जाना है एग्जैक्टली, तो लैमर के पीछे पीछे जाते हुए उस गाड़ी को वहाँ पर ले जाते हैं हम। बट बीच में पुलिस भाई हमारा बिल्कुल सारा सारा प्लान ख़राब करती है भाई एकदम से। बिल्कुल क्या बताएं आपको, मतलब जान बचा करके वहाँ से मैं निकलता हूँ, और एकदम से बिल्कुल गाड़ी का तो खैर सत्यानाश हो जाता है। जैसे जैसे हम डीलर के पास पहुँचते हैं, और उसके बाद जो गाड़ी है रिपेयरिंग वर्क वगैरह वहाँ पे दे देते हैं। क्या चीज़ है, क्यों गाड़ी मंगवाई थी, वो तो आगे आगे पता चलता रहेगा। तो वहाँ पे मैं गाड़ी दे देता हूँ, और उसके बाद हमारे पास एक नया मिशन जो है यहाँ पे आ जाता है कि हमें कुछ और टास्क दे दिया जाता है, तो हम उस टास्क को करने वहाँ पर निकलेंगे। तो आज इसी वीडियो में बस इतना सा हम कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए भाई इतना, मतलब मैं इतना बताऊँ ना, आज की वीडियो में पुलिस से लिटरली ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, बिल्कुल ख़त्म होने से बचे हैं। आप देखो इस वीडियो को आज। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हम इस घर के बाहर यहाँ पे खड़े हैं, और लिखा हुआ फॉर सेल। पता नहीं किसका घर है भाई, कौन बेचना चाहता है। तो इस घर को हम कभी लेंगे, देखेंगे पैसे वगैरह कमाएंगे इसमें तो हम ले सकते हैं इस घर को। तो अभी फिलहाल तो हम लैमर के पास जाते हैं भाई, फटाफट भाग के जाते हैं। तो हमें लैमर के साथ अभी जाना है, और लैमर यहाँ पे बस चूज़ वन कार कहते हैं, एक गाड़ी को चूज़ करना है हमें। प्रेस एफ टू गेट इन अ व्हीकल, देन ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब लैमर को हमें फॉलो करना है यहाँ पे इस मिशन के अंदर, तो लैमर के पीछे पीछे हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। लैमर को रास्ता पता है भाई, हमें रास्ता बिल्कुल नहीं पता, कहाँ लेके जाएगा भाई यही जाने। बस जहाँ भी लेके जाए बस अच्छे से रहे, पुलिस को पीछे लगाएगा तो भाई वैसे ही बहुत बेकार हो जाता है काम। तो यहाँ पे हम फटाफट गाड़ी के अंदर चलते हैं, और देखते हैं कहाँ हमें आज लेके जाता है भाई ये। तो यहाँ पे इनकी बातें चल रही है, और तो भाई यहाँ पे चलते हैं। लैमर आगे निकल गया बिकॉज कंट्रोल का थोड़ा सा इश्यू हो गया था, मैंने चेंजेस किए थे यहाँ पे। ओ बाप रे, यही होता है जब तुम ऐसे बंदे के पीछे भागो ना यार, जिसको रास्ता पता है और तुम्हें रास्ता पता ही नहीं है, तो ऐसे ही लेके जाता हो तुम्हें हर कहीं से। और ये भाई यहाँ पे, वाह कहाँ, अरे सीधा ही जाना तो नॉर्मली चल पड़ता ना भाई। लैमर अपने स्टाइल में चला हुआ और मुझे भी मरवा रहा है पीछे से। तो भाई यहाँ से हम फटाफट आगे की तरफ को चलते हैं, और लैमर कहीं छूट न जाए हमसे। तो लाइटों का तो भाई कोई ध्यान ही नहीं रखना इस गेम के अंदर, जो मर्जी तुम्हें आ रहा करने के लिए। अब देखना इंस्टेंटली कहीं मुड़ जाएगा ये, देखो मतलब मुझे ऐसे ही धोखा देता है, इससे बात करनी पड़ेगी लग रहा है। अब यहाँ से कहाँ चला गया, इधर को निकल गया। तो भाई मैप पे देखना पड़ता है तभी इसको फॉलो कर पाते हैं, अदरवाइज ये देखो यहाँ से अंदर भाग गया। तो भाई यहाँ तो ड्रिफ्ट ही लगी जा रहे हैं, और हट जा यार, ये सिक्योरिटी वाला पीछे दौड़। ओ यार यहाँ से फटाफट भागते हैं, वो लैमर तो भाई बहुत आगे निकल गया। उफ 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 भाई, ड्राइव ही नहीं आ रही है करनी यार। ये इधर घूम रही है, यहाँ कैसे पहुंच गए यार। तो एक कंट्रोल का थोड़ा सा पंगा, वाले मजे भाई। यहाँ से फटाफट आगे की तरफ को भागते हैं, और भाई सिटी देख सकते हो यार कितनी प्यारी है, इतनी अच्छी सिटी अगर हमें मिल जाए तो भाई असली गाड़ी में तो ड्राइव अच्छे से कर पाएं, बट ये थोड़ी सी कंट्रोलर इसके थोड़े से ख़राब लग रहे हैं मुझे एक्चुअली मैं ही ख़राब हूँ यार। नाचना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अभी इस टाइम पे आता नहीं है ना, पहले पहले लगे भाई हम अभी नोब बंदे, और ये लैमर तो मुझे लगता है प्रो बंदा। वो भाई साहब ढंग से चल रहे यार, इंडिकेटर दे दे कुछ तो कर दे भाई, सीधा ही चला हुआ है। मुझे तो ऑन द स्पॉट ही पता, ऑन द स्पॉट पता लगता है भाई यहाँ से मुड़ने वाला है। ले, 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 ले। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर जा रहा है इधर होके। तो
ग्लैमर तो रुकता ही नहीं है भाई इसके चाहे गाड़ी फोड़ो, इसके चाहे जो मर्जी करो। लो भाई यहाँ पे हम मतलब लैमर को फॉलो करते हुए कहीं तो पहुँच चुके हैं। अब कहाँ पहुँचे हैं हम इसको देखेंगे। वही चीज़ हो रही है यहाँ पे भाई। जैसे जो जैसे मैं आपको बोल रहा था ना नरेट करे एक तरह के, भाई गुस्सा मतलब मेरे को गुस्सा आ रहा था ना, वैसे इसको भी गुस्सा आ रहा है। मतलब ये देखो मेरी गाड़ी बजी है तो मतलब टूट फूट गई। इसकी एक गाड़ी बजी थी तो कोई अता पता ही नहीं। तो भाई यहाँ पे अब हमें ओ हो पुलिस हमारे पीछे आ गई, भागना पड़ेगा हमें फटाफट। ओ यार निकल ले आंटी। तो यहाँ से भाई भागना पड़ेगा किधर की तरफ। फिलहाल तो कहीं नहीं, बस ऐसी जगह जाना जहाँ पे पुलिस से पीछा जो है वो छूट जाए। अल्लाह ऐसे अगर असली में हो जाए ना कहीं तो मतलब पुलिस तो छोड़े ही ना मुझे। तो भाई सिटी अच्छी है लेकिन सिटी का कोई मज़ा नहीं आ पा रहा अभी। वो भाई निकल गए यार, हवा में निकल गए एकदम से, कसम से मज़ा आ गया। ये कहाँ लगता है हम गलत जगह आ गए। अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ से वापस। और भाई स्टार दो रह गए हमारे पास, ठीक है दो स्टार रहते हुए, और इनको भी ख़त्म करना है हमें फाइनली। अब थोड़े गाड़ी थोड़ी सी संभल के चल रही है अभी। अल्लाह तेरी तो देर थी यार। वो बस मैं स्टार बढ़ाना दूँ, जिस हिसाब से मेरे को अपनी हरकतें लग रही है ना कम होने के बजाय मेरे को लगता है बढ़ ही जाएंगे स्टार। इधर को मुड़ते हैं। ओ भाई गाड़ी का तो हमने भट्टा प्लेट कर दिया भाई साहब। ओए ट्रक वाले, ओए हे 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 भाई निकलो, चलो 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 चलो। उधर क्या आ गया भाई, ये तो मेरे को लग रहा है वो आ गया कालका शिमला हाईवे की तरह। बीच में आता ना एक पॉइंट जहाँ पे हम थोड़ी सी पहाड़ी मतलब कालका साइड में जो पहाड़ियाँ शुरू होती हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ एरिया आता है। हम कहीं भाई वहीं तो नहीं पहुँच गए। ओ भाई पुलिस वाले फिर पीछे पड़े हुए हैं भाई। ये तो ऐसा लग रहा है हम सच में कालका शिमला हाईवे पे चल रहे हैं और शिमला की तरफ हम जाने लगे हैं। यहाँ से मुड़ जाते हैं अंदर। वाह क्या ड्राइव है भाई, मज़ा आ गया ड्राइव में। आपको कैसी लग रही ड्राइविंग में मेरे को कमेंट करके जरूर बता रहा हूँ भाई। गालियाँ मत निकालना यार सीरियसली। ओए मामे चलो 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 चलो। ओ भाई चल चलो चलो भाई चल। ओए वाह मज़ा आ गया यार अपनी ड्राइविंग स्किल देखी तो मुझे कभी कभी तो ओवरवेलमिंग टाइप हो जाती है। तू क्या कर रहा है यहाँ पे, निकल ले। ओ तेरी लो स्टंट मारते हैं हम भी। ये लो ये कौन है भाई। ओ हो निकल ले। आ जाओ भाई। लैमर ने कहाँ फंसा दिया मुझे। ओह माय गॉड भाई पुलिस से बच ही नहीं पा रहा हूँ। कैसे बचा जाए पुलिस से, कमेंट में बताओ यार पुलिस से बचने का कोई तरीका। आप में से कोई तो प्रो बंदा होगा मेरी गेम को देख के हंस रहा होगा भाई वो प्रो बंदा। ओ अब तू ओल मतलब क्या भाई, हमर उम्र लेके आ गए क्या भाई पुलिस से। तो भाई इस टाइम ओ एक पुलिस वाला आ रहा है। निकलो भाई भागो यहाँ से। ओ सामने से पुलिस वाला आ गया। क्या पीछे नहीं छोड़ते यार। यहाँ पे बचा जा सकता है इनसे, मैं भी शायद यहाँ पे ना आ पाए क्योंकि ये ट्रेन वाला है ना तो यहाँ पे शायद ना आ पाए। हम यहाँ पे रुक के देखें क्या एक बार। चलो यहाँ पे रुक जाते हैं। ओ ये रुकना तो मुझे लगता है यार था दोस्त है यार अभी भी। देखते हैं यहाँ पे रुक के क्या होता है। सामने आप नज़ारा देख सकते हैं भाई। ये हम थोड़े थोड़े हिमाचल में पहुँचे हैं, थोड़े थोड़े चंडीगढ़ में, थोड़े थोड़े हिमाचल में रह गए हैं। तो भाई ये पॉइंट वो पता थोड़े थोड़े वाला पॉइंट कौन सा है, वो कालका है, कालका परमाणु। तो भाई ये वाला पॉइंट वो है, आप आते ना घूमते फिरते, देखो हम इधर ही पहुँच गए हुए हैं। आप गाड़ी लेकर के घूमते हो, हम देखो यहाँ पे कैसे पहुँचे हुए हैं। वाह हमारी गाड़ी देखो गाड़ी ये है।
चलो थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यू में जाते हैं। तो भाई इस टाइम पे आप देख सकते हैं ऊपर जो स्टार है वो ख़त्म हो चुके हैं, मैं फालतू में ऐसी बाकी जा रहा था। तो अब हमें जाना है इस येलो पॉइंट के ऊपर, अगर आप देख पा रहे होंगे मैप के अंदर। तो यहाँ पे फटाफट चलते हैं, एक मिनट ज़रा थोड़ी मैं सेटिंग कर लूँ यार, कंट्रोलर्स की गड़बड़ होगी ये सेटिंग। तो यहाँ पे फटाफट की बाइंडिंग पे जाते हैं और व्हीकल कंट्रोल्स वाले पे जाते हैं। एक्सेलरेट कहाँ गए यार, कार एंड बाइक्स पे। ये एक्सेलरेट को मैंने W पे ही रखना है ताकि दोनों एक तरफ पे ही ना आए यार। तो भाई ये मैंने रख दिया हुआ इसको की बाइंडिंग, अब मज़ा आएगा इसको। वाह अब आया ना मज़ा, क्योंकि अब एक तरफ में हो जाते ना सारे अंगूठे इकट्ठे, तो बड़ा मुश्किल मुझे वो वाला हिसाब नहीं आता, वो एक ही हाथ से चलाने वाला भाई। हमें नोब बंदे हैं, हमारे को चाहिए नोब वाले तरीके। तो हमें बस एक उंगली जो है W पे रहे और बाकी एरो कीज़ के ऊपर लेफ्ट राइट के लिए रहे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्लाईओवर के एक बड़ा गंदा सा सीन रहता है ना ये, जब भी मैं मतलब चंडीगढ़ की तरफ जाता हूँ ना कई बार धोखा लग जाता है यार। अपने फ्रेंड की तरफ जाता हूँ, बोलता है कि भाई पहले फ्लाईओवर से नहीं दूसरे फ्लाईओवर से चढ़ना, दूसरे से नहीं पहले से चढ़ना। तो भाई फ्लाईओवर एक बार चढ़ गए तो सोच लो बीच में कहीं से दूसरा तीसरा सब ख़त्म, भूल जाओ पता नहीं कहाँ आगे टपकोगे, फिर वहाँ से वापस जाना पड़ेगा तुम्हें मोड़ के। तो फ्लाईओवर के लिए अच्छा खासा तुम्हें रोड का ज्ञान होना चाहिए भाई, तभी तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे फटाफट से आगे यार जल्दी जाओ भाई, लैमर साला पहुँच के होगा वहाँ पे। वो तो पलटी हो ना भाई, शिट मैन। ओ यार पता ही था मुझे मिशन फेल होगा भाई, यहाँ पे मिशन जो है दोबारा करना पड़ा मुझे। और अब मज़ा आ रहा है थोड़ा गाड़ी चलाने का, बिकॉज कंट्रोलर सही हो गया ना। चल जाए यार रहने दे, मैं नीचे चला जाता हूँ भाई। यहाँ पे कुत्ता था बीच में, हस्की है सब। तो भाई चलते हैं चलते हैं चलते हैं। इन द मीन वाइल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि भाई ये गेम जो है ना बहुत मज़ेदार है, इसमें तुम्हें ये खुराफात करने का मज़ा आता, मिशन करने का इतना मज़ा नहीं आता। हाँ खुरा बात करते रहो, इसका बड़ा मज़ा आता है इसमें। पर ये एक बहुत ही अच्छी गेम है, और ऐसे ऐसे खुरा बात करने के लिए तो बहुत सारा अच्छी गेम है भाई, तुम्हें देखनी चाहिए एक बार, इंस्टॉल करो। बट सिस्टम रिक्वायरमेंट भी तो बहुत ज़्यादा है इसकी, अगर तुम्हारे पास अच्छा सिस्टम है तभी अच्छे से चलेगी, बाकी नहीं तो लैग करती रहेगी। या तुम वो दूसरी वाली आती ना दूसरा वर्जन इसका हाईली कंप्रेस, तो भाई या तो फिर वो तुम्हें करना पड़ेगा, दैट वो कोई ज़्यादा इतना अच्छा होता नहीं है, बिकॉज वो थोड़ा सा वो रहता है क्वालिटी वाइज लो रहता है। तो यहाँ चलो ऊपर फ्लाईओवर पे निकल जाते हैं भाई। ओ इसमें मुड़ क्यों नहीं रही है गाड़ी, लगता है इसके एक्सल उक्सल तो नहीं चला गया कोई। बोर्ड पे तो साले ऐसे ऐसे नाम लिखे हुए कि पता नहीं लग रहा, ला क्या ला भाई। और हाइट में चले जाते हैं, हाइट पे जाके मेरे को छोड़ने यहाँ लग जाते हैं। पुलिस 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 वाले भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। तो भाई मैप में देख सकते हैं पुलिस वाले यहाँ पे है तो नहीं, वैसे आसपास हैं बट वो जा रहे हैं, मेरे को मौका दे रहे हैं, मतलब मैंने उनको रिश्वत खिला दी है भाई, मैंने उनको पैसे वैसे दे दिए और अब वो भाग रहे हैं। अब अपना यहाँ पे मैं गाड़ी, ओ एक साला पुलिस वाला पीछे से आ गया यार, वो देखो कुर्ती में सामने भी एक बंदा है, ये तो कांड कर गए साले, मेरे पैसा भी ले लिया और साले काम भी नहीं कर रहे, मतलब इन्हें तो मेरा पोपड़ बना लिया यार, पैसे भी ले गए मेरा पीछे भी लग गए करते हैं यार। दिस इज़ अनफेयर मैन, दिस इज़ अनफेयर। तो फिर से हम भाई कालका की तरफ जा रहे हैं, निकल गए। अब हम ना गाड़ी अच्छे चलाएंगे, अच्छे बच्चों की गाड़ी चलाएंगे ताकि हम बच जाएँ इनसे जल्दी जल्दी। इधर से निकलते हैं सीधा सीधा फटाफट फटाफट फटाफट, चलो 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 चलो। कालका शिमला हाईवे पे पुलिस लगी हुई है भाई, ये हरियाणा पुलिस। तो भाई चलो 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 चलो, एक बंदा इधर घूम रहा है, और फिर कांड कर गए यार।
भाई बड़ी मिन्नतों के बाद मतलब गाड़ी यहाँ पे ऐसी फंस गई थी ना, इस टाइम पे गाड़ी तो निकाल दी लेकिन मेरा बचना नहीं लगता यार, मुश्किल लग रहा है। और चल चल यार भाई, अब तो बचना पड़ेगा। गाड़ी इतनी इतनी मुश्किल से निकली है ना गाड़ी, क्या बताऊँ। फक ना कर दें फिर से भाई। ये देखो भाई हमारा वो आता ना शिमला जाते बीच में टोल प्लाजा वो आ गया, शिमला ही बचा पाएगा भाई हमें, पहाड़ों पे चिप जाते हैं कहीं जा करके। ओ माय गॉड, ये रास्ता ही बंद है आगे। तो भाई ये कहाँ आ गए हम भाई, ये एकदम मतलब कालका वाले टोल प्लाजा से एकदम इस सुखना लेक पे कहाँ पहुंच गए। ये अच्छी जगह छुपने के लिए, यहाँ छुप जाते हैं, पुलिस वाले यहाँ तो नहीं आ पाएंगे। खैर भाई, ओ भाई रुक जाओ, नीचे ना जाए यार। ओ भाई ब्रेक भी नहीं लग रही, ब्रेक लगा दी भाई, यहाँ पे हमने ब्रेक लगा दी है। टेक द कार बैक टू द डीलरशिप। ओ यार ये हो गया काम मेरे को लगता है डीलरशिप के पास। ओ ओ भाई हो गया काम, हो गया हो गया हो गया। चलो देखते हैं जरा अपनी ड्राइविंग स्किल भी देख लेते हैं थोड़ी माती। ओ यार एक तो दिख नहीं रहा ना बीच में भाई, यहाँ से चलते हैं डीलरशिप के पास वापस, मेरे को गाड़ी लेकर के जाना है, बड़ी मुश्किल से बचाई है यार। और डीलरशिप तक कैसे भी पहुँचना है और इसको एंड करना है यहीं पर ही, नहीं तो मेरा डीलरशिप हो जाएगा। तो ये तो भाई यहाँ पे तो एकदम टाइट सिक्योरिटी है भाई, क्या ये लॉस सैंटोस गवर्नमेंट फैसिलिटी, ये क्या है रिकॉर्ड डेटाबेस सेंटर। बाप रे डेटाबेस सेंटर है यहाँ पे, लोकेशन को देख रखते हैं हम कहाँ पे हैं भाई। ये मैप किधर आंदा यार है, तो भाई ये मैप में यहाँ पे देख सकते हैं हम कहाँ पे हैं। And this is quite far away from the city. यहाँ पे हैं हम बिल्कुल ना, ये देखो यहाँ पे हैं। तो ये भाई यहाँ पे लोकेशन है एक अलग जैसी कहीं साइड पे जा करके, तो इसको याद रखेंगे हम। एंड पता नहीं मार्क कैसे होती है इसमें, ज़्यादा नहीं देखो बंदा क्या करें, तो गाड़ी भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी पहुँचाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। लगता है हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो गया है भाई, रिवर्स मारना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे जो है वापस जाना पड़ रहा है, गलत रास्ते में आ गए हैं। फ्लाईओवर में एक चक्कर हो जाता है भाई, मोटा ही सीन हो जाता है भाई, मोटा ही सीन जब गलत आता है ना तो मोटा ही सीन हो जाता है। ओए 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 ओ भाई रुके हुए, पंगा ना ले यार, उतर भी नहीं सकते गाड़ी से, भी नहीं तो इसको फोड़ फोड़ देते अभी यहाँ से। ओ भाई यही होता जब तुम हाईवे मतलब जब मतलब तुम वहाँ नहीं हो क्या, क्या कौन सी जगह यार, वो कमेंट में ज़रूर बताना। वो चंडीगढ़ के साथ सॉरी कालका शिमला हाईवे जब लगता है ना उसके साथ एक जगह आती है बीच में अमरावती यार, वो अमरावती की साइड साइड से तुम निकलते हो ना और बीच में बिल्कुल कालका शिमला हाईवे पे आ जाते हो, तो बस ऐसे ही बचते हो, फिर बोलते एक्सीडेंट हो गया ऐसे ही होता है एक्सीडेंट, बिना देखे देखे निकलते ना एकदम हीरोपंथी करके तब एक्सीडेंट होता है, ऐसे नहीं होता एक्सीडेंट, नॉर्मली निकला जाए तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो भाई यहाँ पे हम फटाफट से जाते हैं आगे, अरे जल्दी चलो रे बाबा 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 बाबा, लगता है आज फिर से बिड़ने वाला हूँ यहाँ पे। तो नीचे से नहीं ऊपर से था, जा घूम के जाना पड़ेगा यार फिर से, गलत उस पर आ गए। तो इसी फ्लाईओवर को फॉलो कर लेते हैं ना, बहुत हो गया भाई अब ऐसे ही चलो जैसे जैसे भाई। यहाँ से सीधा सीधा ही आगे रास्ता है ना, और यहाँ से मुड़ेंगे हम अंदर की तरफ को।
तो यहाँ पे फाइनली भाई हम नज़दीक आने लग गए हैं, जो डीलरशिप है पता नहीं कौन डीलर है, तो इसके बाद हम जाएंगे। और जितना नज़दीक आ रहा है सर, ये उतना दूर जा रहा है यार। यहाँ पे फटाफट जाते हैं डीलर के पास। और भाई डीलर कहाँ बैठा हुआ है, किस गुप्त जगह पे बैठा हुआ है। भाई यहाँ से भी आगे कोई इधर को है, यहाँ से हम राइट राइट लेते हैं। और फाइनली यहाँ पे जो है हमारा लैमर भाई, हमारा धोखेबाज भाई, वो यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम सर्विसिंग में, साला बैठा हुआ है। तो भाई यहाँ से देखो जो गाड़ी फाइनली जो है अंदर को जाती हुई डीलरशिप के पास, और यहाँ पे डीलर से मिलते हैं, क्या बोलता है ज़रा। तो भाई ये देखो लैमर यहाँ पे पहले ही पहुँचा हुआ है, इसकी ना तो गाड़ी बजती है ना कुछ होता है। तो भाई ये भाई That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough. Game kill him at the bad bat maza ata. Seriously. Seriously, right, this game is really awesome. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. Lamar. Money is an issue. Huh? Money. Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he's gonna get all this world. So this is quite whole story that is going over here, so you can listen to it. I'm out. लो भाई हम तो चल पड़े बाहर, पता नहीं क्या टेंशनबाजी करके निकल रहे हैं। तो भाई यहाँ से बाहर निकलता हुआ है, और यहाँ से आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो लड़कों लड़कियों यहाँ पे हो जाती है आज की जो वीडियो ख़त्म, बिकॉज अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है लैमर को हम यहाँ पे लेके आए हैं डीलरशिप के पास, और डीलर के पास यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सेफली वेरी बैडली। तो भाई ये चीज़ यहाँ पे हुई है, और अब देखते हैं आगे हमारे पास और क्या इसमें मिशन आता है। ये यहाँ पे देख सकते हो मैप के ऊपर ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का एक टिक सा है, यहाँ पे जाना होगा हमें। तो दैट वी विल ट्राई इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस, सेहत का ध्यान रखना। और हाँ, अगली वीडियो में मिलना है, इसलिए सेहत का ध्यान बिल्कुल रखना। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना दोस्तों के साथ, और बस जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर 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 कर लो भाई, वायरल कर लो, थोड़ा हमें भी सपोर्ट दिखा दो भाई मेरे। मिलते हैं अगली वीडियो में।